इतने ज़्यादा VFX वाली, तो एक्साइटेड वो देखने के लिए। रणबीर की परफॉर्मेंस के लिए कितने एक्साइटेड है? वो देखने के बाद पता चलेगा, ऑब्वियसली इज गुड एक्टर, बहुत बढ़िया। ओके, आलिया भट्ट की कितनी परफॉर्मेंस आप कितने पसंद कर रहे हैं आलिया को? आई एम वेरी एक्साइटेड, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। मुनावर, आपने जो एक अभी शो किया था जिसके अंदर आपने सारी बातें की जो आपको जाने नहीं मिला और वो सब को लेके, क्या कहना चाहेंगे? एक है गम है थोड़ा सा अंदर, बस वही मैं रील बोल देता हूँ। कोई गम किसी चीज का नहीं करना, कुछ लेके नहीं आया था। सही बात। ओके, अब लेट है मूवी के लिए। मुनावर, कौन सा कुछ चल रहा है आपका, क्या मुझे आने वाला है? कल गाना आ रहा है रिलीज, मैंने पोस्टर रिलीज कर दिया है, इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, कल गाना आ रहा है। सर गाने का नाम क्या है? रजा नाम है, रजा। अब आपके कई जगह शो भी कैंसिल किए गए हैं भाई, कमेंट सीता से पूरा वीडियो देख लो ना, इंटरव्यू में सब बोल दिया। ठीक है, चलो भाई, हट गया भाई, एक मिनट, like the story is so good that you cannot even imagine what you are watching on screen. It is that good a screen. VFX kaisa laga? Is it touching the Hollywood level, something like that? I am sure it is. Kya baat hai, what the performance of Alia Bhatt and whole cast? Amazing, very amazing. Good, like very impressive. Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Amitabh Bachchan, everybody. What do you think, this will be a reply to a boycott gang? I cannot comment. Alright, how many stars you will get out of 5? Sorry? How many stars you will get out of 5? Any day, 4. 4. What a nice. Thank you so much. Thank you. देखने लायक है, खास करके बच्चों के लिए, और बहुत मजा आएगा। अगर फैमिली के साथ आते हैं पिक्चर तो बच्चों को जरूर ले जाकर दिखाएं, देखने लायक। VFX वगैरह कैसे लगा? शानदार है, बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें एक्टिंग भी, रणवीर और आलिया का एक्टिंग, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है, इमोशंस है, एक्शंस है, VFX है, मतलब टोटल ये फिल्म देखने लायक है। क्या लगता है इस मूवी से जो बॉलीवुड का बोल सकते हैं, आई गॉट वाला ट्रेंड तो हमेशा चलता रहे, हर एक का एक अपना अपना वर्ग होता है, तो आई गॉट का अगर जो करने वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा फिल्म देखने। क्या मूवी चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी। क्यों चलेगी? चलेगी क्योंकि एक यूनिक है, अच्छा सब्जेक्ट है, और देखिए इस तरह से आपको कैसा लगा? साउथ वाले जो बोलते हैं कि साउथ वाले जिस तरह से धर्म को दिखाते हैं, मतलब हिंदू धर्म को अच्छे से बुझाते हैं। 5 में से कितने स्टार? इसी तरह से ये फिल्म भी है। 5 में से कितने स्टार? 5 में से इसको देंगे 3.5 स्टार। क्या बात है, थैंक यू। VFX वगैरह कैसा है? VFX तो सुपर है, बहुत अच्छा है, स्टोरी भी ठीक है, थोड़ा और बेटर होने की जरूरत थी। लोगों को पसंद आएगी मूवी? पसंद आएगी, एवरेज है, आई कैन से थोड़ा और बेटरमेंट हो सकता था। क्या लगता है ये मूवी एक अपना आंसर के तरीके से देखेगी जो बॉयकॉट गैंग इस मूवी के लिए चल रही है, क्या लगता है ये मूवी उनको रिप्लाई दे पाएगी? तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और जिनको VFX और मार्वल मूवीज पसंद होंगी उसको तो मस्ट है, उसको तो बहुत पसंद है। और रणबीर और आलिया की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सुपर थे, उसमें लव स्टोरी जो है वो जबरदस्त दिखाया है, वो ब्रह्मास से कैसे कनेक्ट कर दिया लव स्टोरी आज की, दैट वाज द टेक्निक एंड दैट वाज व्हाट इज अयान मुखर्जी। कितने साल देंगे? 50 स्टार। बहुत बढ़िया फिल्म है, आप लोगों को सबको देखनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। फर्स्ट हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेकंड हाफ भी उसी को उतना ही एंडिंग है, बट मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो उसका कुछ हिंट है, तो एंड तक आप लोग बैठे रहिए। VFX वगैरह कैसे है? VFX क्लासिक है, इंडिया में अभी तक की जितनी भी VFX ओरिएंटेड फिल्म्स बन चुकी हैं तो उनमें से सबसे बेस्ट है, सो मैं यही कहूंगा कि जबरदस्त है। क्या बात है, मतलब एक ऑडियंस को एक अच्छा तरीके का एक्सपीरियंस फील कर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टोरी राइटिंग बैकग्राउंड स्कोर विजुअल इफेक्ट सब एक ट्रीट है, और आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री तो बहुत ऑसम है, इसके अलावा बहुत सारे सरप्राइज कैमियो हैं, तो उसके लिए भी आप फिल्म देख सकते हैं। क्या बात है, आपको मतलब ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है या फिर स्पॉइलर नहीं चाहिए? स्पॉइलर तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं, आप मुझे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन एक दो सीन है जो फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट शाहरुख खान का ही एक दो सीन है, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार बना है। क्या बात है, और मौनी रॉय
नेल्ड इट लिटरली. मौनी रॉय ने जो काम किया है मुझे नहीं लगता कि मौनी रॉय जैसा, मतलब कोई और हम किसी और को इमेजिन कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में भी मौनी को देना चाहिए काम. बहुत ज़बरदस्त किया मौनी. क्या लगता है हिंदी बिल्ड में, मतलब ये मूवी चलेगी पैन इंडिया लेवल पे? बिल्कुल पैन इंडिया में बिल्कुल करेगी ये काम. और मुझे लगता है कि अब ऑडियंस को थोड़ी जो नाराजगी है बॉलीवुड से वो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये फिल्म उसे सेलिब्रेट करती है, जो बॉलीवुड है, जो ऑथेंटिसिटी है वो सेलिब्रेट करती है. क्या लगता है आपको, जो बॉयकॉट गैंग इस मूवी के लिए चल रही है, ये उसका आंसर हो सकती है? बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी, बिल्कुल जोर से होगी एकदम. लास्ट सवाल है, 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो रिव्यू में बताऊंगा अपने. आप मेरे चैनल में देखिए. क्या बात है, बहुत शुक्रिया राहुल भाई, बाय. अब इतने समय से जो मूवी देख देख के रहे थे और लोग समझ, सारे मूवी फ्लॉप हो रही है, तो उसमें समझ ये पावर पे बाउंस करके फिल्म आ गई, पब्लिक को अच्छी लगी. क्या बात है, क्योंकि इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो उन्होंने आयान मुखर्जी ने जो स्पेशल इफेक्ट डाला है, नई कहानी है, नई सोच, ऐसे नहीं है कि कुछ है, लेकिन बीच बीच में आपको एक्समैन याद जरूर आएगा. क्या बात है, जो इंग्लिश मूवी देखने के शौकीन है उनको एक्समैन का थोड़ा सा टच जरूर देखने. जो इसमें VFX ग्राफिक्स वाले सीन्स इस्तेमाल किए गए, क्या लगता है ये हॉलीवुड टच वाला फील आपको? हाँ, उसमें हॉलीवुड वाला फील उन्होंने दिया, वरना भारतीय VFX कह रहे थे कहीं ना कहीं इंग्लिश मूवी में पीछे पड़ जाते, तो यहाँ ने कोशिश की है कि उनको पूरा टक्कर दे सकते हॉलीवुड. क्या लगता है आपको, ये हिंदी वर्ल्ड में ऐसी मूवी चलेगी, ऐसे लोगों को पसंद आएगी ऐसी मूवी? हाँ, क्योंकि लोगों को क्या है, रीमेक, बायोपिक है, या तो फिर ऐसी पुरानी कहानी, 90s की कहानी देख देख के अब उनको क्या चाहिए, नयापन चाहिए, और इस फिल्म में नयापन. सबका काम वगैरह आपको कैसा लगा? सबके काम जैसे तो शाहरुख है और अर्जुन है, सॉरी नागार्जुन जी है, उन्होंने अच्छा काम किया है. महानायक अमिताभ बच्चन है, तो उनका एक्टिंग जैसे है वैसे ही है, कुछ नयापन है, कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा. तो इसमें सिर्फ लड़ाई की सीन और VFX इतने अस्त्र वगैरह दिखाए, तो आपको कौन सा एकदम फेवरेट अस्त्र बन गया? मोस्टली 3 ही अस्त्र का ज़्यादा जिक्र हुआ है, तो इसमें जो है वो अग्नि अस्त्र का ही सबसे ज़्यादा कमाल है, और उसी के पूरे पिक्चर में आपको अग्नि अस्त्र की दिखेगी. क्या बात है, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 4 स्टार देंगे, क्योंकि कहीं कहीं बीच बीच में आपको लगेगा कि कहानी थोड़ी स्लो पड़ रही है, इसलिए 5 में से 4 स्टार. क्या लगता है ये एक मूवी रिप्लाई के तौर पे, जो बॉयकॉट गैंग है उनको एक रिप्लाई के तौर पे आएगी मूवी? देखिए, इसमें ऐसा कहा जाता है कि हिंदू या मुस्लिम या किसी भी धर्म से जोड़ के देखा जाता है, तो ऐसे मनोरंजन की दृष्टि से, नयापन की दृष्टि से ये फिल्म बेहतरीन है. इसमें किसी प्रकार का ऑड है, ऑड सीन या ऐसी नहीं है कि फैमिली के साथ ना देख पाए, या फिर रीमेक टाइप का, ऐसे नहीं है, नयापन है. VFX का जो मजबूत जोड़ देखने को मिलेगा वो है. उसके बाद एक रोमांटिक स्टोरी है जो लोगों को हल्कापन भी दिखाएगा, एक्शन वालों को एक्शन भी भरपूर मिलेगा इसमें. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू. मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं तुम्हारे पास भी आ जाएंगे. सो कैसी लगी ब्रह्मास्त्र आपको? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. एक्चुअली इस लेवल की फिल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. क्या बात है, क्योंकि इस लेवल के VFX बनाना, मुझे लगता है कि हमें इस तरह की फिल्मों को अप्रिशिएट करना चाहिए. और स्टोरी लाइन की भी बात करूँ तो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है. आलिया और रणवीर की केमिस्ट्री देखने में लोगों को मजा आएगा. सब लोगों का काम वगैरह कैसा लगा? आपका फेवरेट अस्त्र कौन सा बनाया इस मूवी को देखने? क्या फेवरेट अस्त्र कौन सा बनाया जितने अस्त्र दिखाए गए इस फिल्म में? तो मैंने अग्नि अस्त्र ही देखा, तो वही मेरा फेवरेट बना है. सबके काम की मैं बात करूँ तो फिल्म में स्पॉइलर बहुत है, तो जो मैं देना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस फिल्म के पीछे जो मेहनत पूरी स्टार कास्ट ने की है, आयान ने की है इतने सालों की, वो मेहनत दिखती है, ऑनेस्टली दिखती है. क्या बात है, गाने वगैरह कैसे और लोगों को कैसे खास तरीके से आप अप्रोच करना चाहेंगे इस मूवी के लिए? हम हमेशा ही बोलते हैं कि इंडिया में कुछ नया बनता नहीं है, हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते. तो मैं ये कहूँगी कि आप ये फिल्म देखिए, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिलेंगे, कुछ नया भी देखने को मिलेगा. तो जो लोगों की ये शिकायत होती है वो शिकायत दूर होने वाली है. क्या लगता है ये एक रिप्लाई के तौर पे, ये मूवी जो बॉयकॉट गैंग चल रही है, ये रिप्लाई के तौर पे साबित होगी, जितना जस्टिस दे पाएगी बॉयकॉट गैंग? देखो, बॉयकॉट गैंग के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉलिटिकली ड्रिवन है और कुछ ऑनेस्ट वाले हैं. तो मैं ये कहूँगी कि जो ऑडियंस है, जो इसको बॉलीवुड से प्यार है, वो देखिए. क्या बात है, लास्ट सवाल है, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे आप? मैं 4. थैंक यू सो मच. कैसी लगी आपको? एक मिनट, ये किसका है? तब तक के लिए इनका मैं आपको बहुत अच्छी लगी. आई वुड रियली से इवन दोज पीपल जो आ रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है मत कहो, बिकॉज इतना ज़्यादा एफर्ट गया है, VFX इतना अच्छा है, एंड आई थिंक आयान ने सोचना भी ऐसा है. ऐसी फिल्म मेरा नो डाउट लूपहोल्स है, आई वुड नॉट से 5-star, बट ऐसी फिल्म सोचना, ऐसा स्टोरी सोचना और फिल्म को इतना उमदा बनाना, इट
takes a lot of effort and I think we should really respect that. मतलब VFX की बात करता हूँ मैं तो कैसी VFX लगी आपको? Prime Focus is the company who has done VFX and what a marvelous job. I think ये film का कहते हैं ना कुछ ना कुछ जान होती है film की. I think इस film की जान VFX ही है and hats off. कहीं ना कहीं वो मार्वल फिल्म थी या उस तरह की याद आएगी. देखिए मैं एक बात बोलूँ, मैं हॉलीवुड फिल्म्स की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, मैंने मार्वल कहीं देखी नहीं है, पर ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं मेरी बॉलीवुड की बात करूँ, आई एम रियली हैप्पी, आई एम समवॉट प्राउड दैट बॉलीवुड इज इन दैट डायरेक्शन ऑफ मेकिंग. अच्छा ये मुँह तो जवाब होगा बायकॉट, जो बायकॉट कह रहे हैं, बायकॉट बॉलीवुड जो कह रहे हैं वो ग्रुप है, उनको मुँह तो जवाब होगा. यार उनको क्या ही मुँह तो जवाब देना, बेसलेस चीज पे बेसलेस करना, आई मीन इन अ वे उनका कोई बेस ही नहीं है. तो आई थिंक जो लोग फिल्मों को देख रहे हैं, जो मैच्योर है वो देखेंगे, बाकी उनको जवाब देना ही नहीं बनता, मुंह तोड़ तो बहुत दूर की बात है. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके? देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी भी एक्ट्रेस के साथ है वो अच्छी ही रही है. अगर आलिया उनकी वाइफ नहीं भी होती तो भी ये केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी होती. या बिकॉज रणबीर का चार्म है. चॉकलेटी चॉकलेटी चेहरा कहीं इस फिल्म में क्या कमी तो नहीं है कि किरदार को? वो चॉकलेटी चेहरे के साथ भी आप एक ऐसे फिल्म में स्टार कर सकते हैं, गुड एक्टर. रणबीर इज अ गुड एक्टर, वही चॉकलेटी चेहरे के साथ उन्होंने संजू भी किया था एंड उसी के साथ उन्होंने ब्रह्मास्त्र फिल्म भी की थी. तो यू शुड बी अ गुड एक्टर, चेहरा उतना मैटर नहीं करता. कितना स्टार देंगे आप में से? आई गिव 4. ऑफ कोर्स एज आई सेड नो फिल्म इज परफेक्ट, नाइदर दिस. थोड़ी फिल्म लंबी थी बट यस फिल्म अच्छी है, तो आप फ्लॉज भी अवॉइड कर सकते. थैंक यू थैंक यू. मतलब अनएक्सपेक्टेड बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म लगी है. एक ही शब्द में बोलूँ कि पिक्चर फैंटास्टिक है और हॉलीवुड स्टाइल की है. यहाँ भी बहुत टाइम से ऐसी फिल्म बनी नहीं है. एक से एक इफेक्ट्स देखने को मिले, जो भी इफेक्ट्स होते हैं पिक्चर में वो लाजवाब है एकदम. और एक्टिंग में मोनी रॉय कहूँ या शाहरुख खान कहूँ या मोनी रॉय, मतलब बोलते हैं ना टीवी का धमाका है. और यहाँ ब्रह्मास्त्र चला वही. अरे वो तो हर फिल्म में एक्चुअली अच्छी लगती है. फिल्म में कितना धमाका लग रही है मोनी रॉय? बहुत ज़्यादा. मतलब एक्चुअली बोलेंगे तो आलिया भट्ट से ज़्यादा काम होता है पिक्चर में. सेकंड लीड रणबीर के बाद बोलेंगे तो मोनी रॉय. और रणबीर और आलिया की जोड़ी, वो लोग इतने मतलब ऐसे फ्रेश लवर्स होते हैं ना, लाइक मैंने प्यार किया के सलमान और भाग्यश्री. वैसे फिल्म बहुत लंबी लगी है. लंबी लगी पिक्चर, वही एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि पिक्चर लंबी है, लेकिन इस तरह की फिल्में होती है लंबी. मतलब अगर हैरी पॉटर आप देखेंगे या हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो वो थोड़ा लंबी होती है. तो इस हिसाब से ये थोड़ा पिक्चर लंबी तो है. सेकंड पार्ट देव आ रहा है. सेकंड पार्ट तो लगता है कि ऑडियंस सेकंड पार्ट भी, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट भी. हाँ हाँ, आपको सब कुछ देखेगी क्योंकि जैसे KGF है तो KGF के तो ये बोल सकते हैं बाप है. बाप है ये. कितने स्टार देंगे? मैं 4 दूंगी क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर लिंक से हटी थी मतलब इंटरवल के बाद. बाकी पिक्चर बहुत अच्छी है, देखने लायक है, एक बार तो जरूर देखने लायक है. मिस करेंगे अगर नहीं देखेंगे. कहने के कंक्लूजन, देव देव कौन है आखिर? देव कौन है? देव का करेक्टर थोड़ा सा सस्पेंस है. मुझे तो लग रहा है कि रणबीर कपूर ही होगा शायद. क्योंकि बाप तो बेटा बाप सेम ही लगेंगे ना. ये क्वेश्चन मार्क है. हाँ मतलब अगर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है रणबीर कपूर ही होगा सेकंड पार्ट में भी. थैंक. लेकिन आलिया की जगह कौन होगी वो नहीं मालूम. वो बच्चे संभाल रही होगी घर में. ब्रह्मास्त्र बहुत ही अच्छी फिल्म है और डेफिनेटली एक हमारे यू नो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, खास करके लाइक बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है. एक बहुत ही यू नो एक हॉलीवुड स्टाइल की, जो हम ज़्यादातर जो सुपर हीरोज की मार्वल फिल्म देखते हैं उसी तरह की ये फिल्म है. एंड डेफिनेटली लाइक पीपल विल एंजॉय दिस फिल्म. सर ये बॉयकॉट बॉलीवुड का जो रट लगाकर बैठे हुए हैं लोग, क्या लगता है ये फिल्म एक परफेक्ट तमाचा है उनके मुंह पे? या डेफिनेटली ये तो लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली दे आर नॉट पार्ट ऑफ बॉलीवुड. इनफैक्ट लाइक दे आर नॉट पार्ट ऑफ बॉलीवुड, उनको कुछ बॉलीवुड से बहुत कुछ लेना देना नहीं है. ये ऐसा होता है ना कि वो जो भेड़ चाल होती, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, एक छोटा ऐसा कोई इंसिडेंस हो सकता होगा, हुआ होगा, उसको लेकर यू कांट ब्लेम द एंटायर इंडस्ट्री. तो ये तो सभी जगह चलता है. कुछ लोग हैं बिकॉज आजकल क्या है कि यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने बोला और उसके पीछे उन्होंने 10, 20, 50, 100 लोग लोग चलते, उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. डेफिनेटली कुछ ऐसा, देखो हर एक दौर आता है, कभी बहुत ही अच्छा दौर आता है हर एक की लाइफ में, चाहे वो कोई स्टार हो या बिजनेस में कभी अप्स एंड डाउन होते रहते. तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, बट मोस्ट ऑफली कभी थोड़ा सा डाउन है, वापस अपनी चीज़ें आ जाएगी. आई थिंक सो कि इसकी
ही बॉक्स ऑफिस अच्छी ओपनिंग हुई है, बहुत एक ईगली वेटेड फिल्म है एक्चुअली, लोग देखना चाह रहे थे, अच्छी स्टार कास्ट है, धर्मा प्रोडक्शन से फिल्म आई है, आयान मुखर्जी ने भी पहली फिल्म बनाई है, बड़ी फिल्म है, तो डेफिनेटली लोगों को एक अट्रैक्शन है एंड दे विल बी डेफिनेटली कमिंग इन द थिएटर टू सी दिस फिल्म, और ये बॉक्स ऑफिस पे इसकी ओपनिंग तो अच्छी लगी है। VFX कैसा? VFX ठीक, हॉलीवुड स्टाइल का जो VFX, बिकॉज फिल्म की जान ही VFX से इंपैक्ट आई है, पूरी फिल्म में जो मैक्सिमम लेकिन VFX इज बीन यूज टू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक हॉलीवुड में हम जिस किस तरह की फिल्में देख रहे हैं उसी तरह का पूरा कॉन्सेप्ट है, और डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट है, मतलब यू नो हमारे दर्शकों के लिए भी, बट इट इज अ ब्रेव अटेम्प्ट। डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे रणबीर और आलिया की जोड़ी? रणबीर और आलिया की तो वो क्या कहना है, अभी अभी तो मतलब अभी वो लोग तो सबसे हॉटेस्ट पेयर है, और उनकी शादी के बाद और उनकी यू नो एक खबरें के बाद तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और इसके अलावा नागार्जुन ने जो एक स्पेशल अपीयरेंस अच्छा क्या है, मौनी इज तो यार डेफिनेटली शी इज इन अ ग्रे शेड, लेकिन जब भी मैंने वो शी मेक्स एन अपीयरेंस बहुत ही मजा आ रही थी। डायरेक्शन आया मुखर्जी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक उम्दा विजन है, एक कुछ नया करना चाह रहे थे, और बहुत ही साल से इसके यू नो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और डेफिनेटली उन्होंने एक दो और तीन पार्ट में उन्होंने बनाया है, और तो बस इसी के राह देख रहे थे कि भाई इसको किस तरह का रिस्पांस मिला होगा, फिर आगे यू नो उस चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे 1 और 2 में। म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छा, जैसे डेफिनेटली दो गाने तो देवादेव और केसरिया तो ऑलरेडी चार्ट बस्टर है, तो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा, प्रीतम इज गिवन सच अ गुड म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्टोरी ऑल्सो सो गुड, पूरा जो म्यूजिक जो पूरा फिल्म आगे बढ़ा रही है, और उसका जो इफेक्ट है एक्चुअली बैकग्राउंड स्कोर का, दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मैं फिल्म को दूंगा 3 स्टार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फ्रेम में आ रहा हम लोग, खुशी चलना। तो ब्रह्मास्त्र देखिए, आपने कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जितना हम उम्मीद कर रहे थे इस फिल्म, ये जो फिल्म है उम्मीद से बढ़कर है, और आई गेस ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस है, हम एज एन इंडियन कहीं ना कहीं हम प्राउड फील करेंगे कि अयान मुखर्जी ने बहुत ही ज़बरदस्त अटेम्प्ट किया है। परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत ही बड़े बड़े चेहरे हैं फिल्म के अंदर, नागा रैना से लेके अमिताभ बच्चन साहब और रणबीर आलिया की जोड़ी है, मौनी रॉय को नेगेटिव किरदार में दिखाया है, क्या कहना चाहिए? सबने अच्छा काम किया है, और सबने जस्टिफाई किया है अपने कैरेक्टर को, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपने आप में आपको गूज़बम्प्स आएंगे। बात करें VFX की, बात करें तो कैसी VFX बोलेगा? VFX अमेजिंग है, प्राइम फोकस ने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है, और आई गेस VFX ही देखने के बाद हमें ऐसा प्राउड फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं हॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं। और बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी अगर अच्छी फिल्म हो तो क्या उसको फ़र्क पड़ता है इससे? मुझे ऐसा लगता है कि आप बॉयकॉट किसी एक इंसान के वजह से, अगर आप पूरी फिल्म को बॉयकॉट करेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि उस फिल्म में काम सिर्फ उसी इंसान ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म में काम किया, और उनकी मेहनत को देखना चाहिए, और हमारा फाइनल आउटपुट क्या है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि एक इंसान की वजह से जो कि उसने बहुत पहले कुछ बयान दिया है, कुछ बातें कही, उसको लेकर एक रीज़न ढूंढ के बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। म्यूज़िक कैसा लगा फिल्म? म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली देवा देवा ये जो गाना है ये मुझे बहुत पसंद है। मैं आउट ऑफ 5 4.5 देना चाहूँगा। नहीं, मुझे पूरा का पूरा फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई मीन आई फील दिस इज़ हाउ सिनेमा शुड बी, दिस वॉज अ ग्रैंड स्पेक्टिकल दैट आई जस्ट वॉच नहीं केम आउट द सिनेमा हॉल आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई एम एक्चुअली वॉचिंग अ मूवी। इतना अच्छा लगा कि मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, आई लिटरली इट वॉज ऑन द एज ऑफ द सीट, आई कुड नॉट थिंक ऑफ मूविंग आउट फ्रॉम माई सीट, नॉट इवन फॉर सिंगल सेकेंड फॉर दैट मैटर, आई मीन इट वॉज वंडरफुल। परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे डायरेक्शन बोलूँगा, द डायरेक्शन वॉज आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड आउट वर्ल्डली, आई मीन इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, प्रिसाइसली बिकॉज द फैक्ट दैट इट वॉज सो इमेजिनेटिव, और एक ही चीज़ मतलब पूरा का पूरा फिल्म तो ओरिजिनल था, इट वॉज जस्ट वंडरफुल, आई मीन आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन, इट वॉज वंडरफुल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा और लेंदी होना चाहिए था, पार्ट 2-3 एक साथ दिखा देना चाहिए था, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे हिसाब से
से बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसको देख के आई लिटरली एंजॉयड आई फेल्ट एज़ दो आई एम वॉचिंग अ मूवी विच कैन लिटरली बी टर्म्ड एज लार्जर देन लाइफ. दिस वॉज द रियलिटी ऑफ द फिल्म. इफ यू हैव टू डिस्क्राइब द फिल्म इन वन स्टेटमेंट आई वुड से इट इज द फिल्म इज लार्जर देन लाइफ. सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए शाहरुख खान. आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन हिम इन हिज एलिमेंट एंड ही वाज फैबुलस. इट फेल्ट एज़ दो आई फेल इन लव विद हिम ऑल ओवर अगेन आफ्टर ऑल ऑफ दीज इयर्स ऑफ हिज यू नो बीइंग नॉट सीन ऑन द बिग स्क्रीन. उसके बाद आई मीन रणवीर एंड आलिया बोथ ऑफ देम आर टू पावर हाउसेस एंड दे हैव डन अ स्वेल स्वेल जॉब. एवरीथिंग लिटरली द स्टोरी बिकेम बिलीवेबल टू मी एंड टू द अदर्स. आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव सेड गुड अबाउट द फिल्म. आई मीन because the fact that the acting was so good, it was so believable. The only one disappointing factor was Moni Roy. She was given a very very potent part in the film. I did not quite feel that she was convincing enough. That's it. VFX ki baat karta hu main, kuch special gear. Oh my god, everything was world class. Isi ko film kehte hain. Main, there is nothing bad to be said about the film is what I'm trying to try. Everything was world class. It was larger than life. It was huge. I could not really find any speck of mistake in the film. It was a fantasy film and everything was original. Ek point pe minus lagla nahi nahi kuch minus. Janta kitna jod payegi khud ko isse film se? Janta kitna jod payegi wo matlab dekhegi picture. This is a fantasy film. Everybody knows it for a fact ki fantasy film hai aur mere hisab se jo dekhega he or she will appreciate the film. उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा. अच्छी फिल्म है अच्छी फिल्म है दैट इज़ फॉर श्योर. पर मेरे हिसाब से बॉयकॉट जहाँ पर आ जाता है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है whether they come want to spend their buck, their hard earned buck and watch the film or not. But then gradually I felt that all of that is going to you know move out. वो cloud हट जाएगा. And if the film is good, which I felt it is good, it will definitely work. कितनी स्टार्स दी फिल्म में? 5 out of 5 stars. Thank you. Thank you.